फिर की प्यार ना के हा करेगा जदों गला मुक जानिया। नहीं है, मैं गाने करता हूँ, मैं अपने लिए तो करता नहीं, घर पे सुन लिया मुझे। अब ये मैं कहता नहीं कि मैं गाने लग गया हूँ तो मेरे साथ कोई और ना खड़े, हैं तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर ही। बोल रहा हूँ अगर पढ़ाई पूरी करता तो मैं आर्किटेक्ट होता, अगर पढ़ाई पूरी नहीं करी तो मैंने ये ऑप्ट किया। हाँ कि मैंने जो पहला गाना किया था वही लोगों ने पसंद कर लिया था, तो मुझे शायद इतनी ज़्यादा हसल नहीं करनी पड़ी। मॉम डैड का बेटा हूँ और अपने भाइयों का ब्रदर हूँ और बहन का ब्रदर हूँ। हमारा आज का इंटरव्यू है ऐसी एक शख्सियत से जो कला को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, जिनकी आवाज सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और जिसकी वाइब और पर्सनालिटी से आपका दिन पॉजिटिविटी से भर जाए। आइए बात करते हैं पंजाब के मशहूर सिंगर एंड हम सबके चहेते कादिर थिन से। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया आपने। तो बात करते हैं आपके लेटेस्ट गाने वॉलपेपर की, जी उसकी थोड़ी सी लाइव झलक मिल सकती है? जी एक एक कर देनो लंगे 3 साल नी, जट दी बनेगी वोटी ऐतकी सियाल नी, मार दे वचोले ने ते करे गेड़िया नी, गल तेरे ते अड़ी आ, पुछ दिया पेपे फोटो वॉलपेपर ते, दस के ना दी कुड़ी आ, दस के ना दी कुड़ी आ। इस गाने की मेकिंग के बारे में कुछ बताइए। मेकिंग ऐसे है कि हम लोग तो सिर्फ घूमने गए थे दुबई में, तो हमने सोचा कि चलो शूट भी कर लेते हैं, तो गाना मेरे पास पड़ा था ऑलरेडी बहुत पहले का और मुझे अच्छा भी लगता था, तो आई थॉट ये बनाना चाहिए, तो हमने इस चीज़ को फिर एग्जीक्यूट किया। काफी समय के बाद रिलीज हुए आपके गाने, तो क्या वजह थी उस ब्रेक की? इट वॉज लाइक कि मुझे पहले तो ये था कि शौक के तौर पर मैं म्यूज़िक को ऑप्ट किया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि शौक के तौर पे इसको धीरे धीरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि महीने में एक गाना तो आना चाहिए। पहले था जैसे हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक गाना आता था, तो वो आई डोंट थिंक ये अच्छी नीति है काम करने की, है ना। तो प्रोफेशनलिज्म में आपको बैक टू बैक चलना पड़ेगा, तो एक लॉकडाउन भी आ गया था और उससे पहले मैं इस हिसाब से काम नहीं कर रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा कि मैं एकदम रिलीज़ कर दूंगा सारा। तो अभी उस हिसाब से काम कर रहा हूँ कि मैं बैक टू बैक काम करूँ, और अब वैसा वाला तो सिस्टम नहीं होगा कि हाँ बहुत देर के बाद कुछ करूँगा, तो ऐसा नहीं है। बैक टू बैक सॉन्ग्स हाँ आप बैक टू बैक, एक्सपेक्ट कर जी सकते जी हैं। हाँ, अब तो हो सकता है। एन आर्टिस्ट, डू यू थिंक आपकी ऑडियंस की तरफ कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हाँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीज़न बिंग हम लोग मीडिया के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं, तो उस वजह से ही ऐसे लगता है कि बहुत लोग जो कनेक्ट हो पाते हैं हमसे, जैसे इंस्टाग्राम के लोग हैं वो कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे जितनी भी मार्केट है आपकी जो आपको प्यार करती है वो आपसे कुछ ना कुछ सीखती भी है। तो मुझे ये लगता है कि हम जो करेंगे वो कहीं ना कहीं शायद वो भी करने की कोशिश करें, या करने की कोशिश नहीं करते तो शायद दूसरे इंसान में से ढूंढें कि ये अगर क्वालिटी उसमें है तो इसमें क्यों नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएट होने लग जाता है। जैसे हम जिस काम में हैं हमारे साथ समझो 10 बंदे जुड़े हुए हैं, और वही 10 बंदों में से 8 बंदे किसी और आर्टिस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो वो जो 8 होंगे वो सिमिलैरिटी देखेंगे पहले, और जो 2 होंगे मेरे अपने फैंस या जो मुझे पसंद करते होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि कोई और सिंगर मेरे जैसा कोई गाना करे तो वो एक्सेप्ट कर पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ, तो वो लोग हमारी वजह से शायद लड़ भी लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि जैसे आपने काफ़ी देखा भी होगा बहुत इंटरव्यूज़ में कि कई आर्टिस्ट हैं जिनकी किसी के साथ नहीं बनती, किसी की किसी के साथ नहीं बनती, तो वो उनकी आपसी रंजिश नहीं होती, ये शायद लोग हैं जो एक्सपेक्ट ऐसा कर लेते हैं चीज़ें कि ये आर्टिस्ट का हम गाना नहीं सुनेंगे क्योंकि हमें वो पसंद है। हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से गाना करता है, तो हमें ये लगता है कि हम लोगों के लिए करते हैं जो भी करते हैं, और हर आर्टिस्ट भी वैसे ही करता है लोगों के लिए, पर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उसको ये ना सोच लें कि ये हमारी लाइफ पे निर्भर करता है कि नहीं करता। आई डोंट थिंक कि वो आर्टिस्ट अपनी लाइफ नहीं निकाल के दिखाता किसी को, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाने करता है, तो इट इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। बात करते हैं आपकी सिंगिंग जर्नी की, कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी सिंगर बनने की जर्नी? प्रोफेशनली तो आई वुड से कि 2015 में मैंने जब पहला गाना किया अपना, है ना, तो उसके बाद प्रोफेशनली से पहले आई थिंक मैं सिर्फ गाता था शौकिया तौर पे, कि कभी किसी जगह पे गा दिया, कभी स्कूल में गा दिया, कभी कॉलेज में गा दिया, वैसा सिस्टम था। पर प्रोफेशनली मैंने 2015 से शुरू किया जब मेरे फादर ने भी मुझे यही बात बोली कि
आपको ये चीज परस्यू करनी चाहिए, पर तब भी मैं शौक तौर पे ही करता था भाई, हाँ गाना चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो देखेंगे, क्योंकि मैं बाहर पढ़ता था, बाहर स्टडी करता था, तो मुझे था कि अगर गाना नहीं चला तो मैं वापस चला जाऊंगा, अगर चल गया तो मैं यहीं रह लूंगा, तो फिर मैं वापस गया ही नहीं दोबारा, मुझे यहीं रहना पड़ा। कोई ऐसा एक इंसान या शख्सियत जिसको आप अपनी सिंगिंग जर्नी डेडिकेट करना चाहते हो? जर्नी ऑब्वियसली माई फैमिली, मतलब एक इंसान तो नहीं है ना इसके पीछे, मॉम डैड हैं, फैमिली ब्रदर सारे, हर एक इंसान जो इस चीज़ में जुड़ा हुआ है कि तुम्हें मुझे मोटिवेट करने में जिससे जिसका हाथ है, आई थिंक उसको मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा। आपकी सिंगिंग जर्नी बहुत ही खूबसूरत सी है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें काफ़ी स्ट्रगल्स भी होंगे, तो उन स्ट्रगल्स के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रगल ये नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए स्ट्रगल होती है, आपको पता ही है कि जब आप एक प्रोफेशन में चले जाते हैं तो आपकी स्ट्रगल चलती रहती है लाइफ टाइम एंड के लिए, कभी आप जैसे मैं कुछ बड़ी चीज़ कर दूं लोगों के लिए तो उससे अगला जो मैं प्रोजेक्ट करूंगा वो उससे बड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं तो उससे बड़ा होना चाहिए, उसके सिमिलर होना चाहिए, तो हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी ऐसी बन जाती है कि यार पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो मैं यही कहता हूँ कि इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल। अभी कोशिश सिर्फ ये कर सकते हैं कि चार लोग जो जानते हैं, मतलब ये है कि मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है इस चीज़ में मेरे करियर में कि मैंने जो पहला गाना किया था वही लोगों ने पसंद कर लिया था, तो मुझे शायद इतनी ज़्यादा हसल नहीं करनी पड़ी होगी कि मैं यार बैक टू बैक गाना दूं कुछ ऐसा सा जो लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि वो पहले से पसंद कर लिया था, तो वो नेचुरल था कि अगला गाना भी करता तो वो मेरी मार्केट जुड़ गई थी मेरे साथ, जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब क्या करेगा, तो जब दूसरा गाना किया तो वो भी उनको पसंद आया तो वो और ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे लिए, और इस वजह से मुझे शायद थोड़ा इजी हुआ होगा, बट हाँ स्ट्रगल उसी लेवल की है और कर रहा हूँ जिस लेवल की हर एक इंसान करता है। एंड लाइक फैमिली सबके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जी बहुत बहुत। आपका आपकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है एंड उनका क्या रोल रहा है आपकी इस जर्नी में? मेरी फैमिली के साथ ये रिलेशन है कि मैं अपने मॉम डैड का बेटा हूँ और अपने भाइयों का ब्रदर हूँ और बहन का ब्रदर हूँ, ठीक है, ये तो मेरा वो रिलेशन। चलो खैर ये मजाक की बात थी। रिलेशन बहुत अच्छा है फैमिली के साथ, अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा, अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना होता शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता, तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया मुझे, मेरे काम को, और मुझे मोटिवेट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और आगे भी पहुँचने के लिए, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं फैमिली का हर एक मेम्बर, तो वो बहुत अच्छा रिलेशन है, और इस रिलेशन की वजह से ही है कि कभी डगमगाया नहीं हूँ कि यार पता नहीं अब क्या करूँ, मैंने ब्रेक ले ली है अब कैसे करूं कैसे ना करूं, लॉकडाउन आ गया क्या करूं, कभी हुआ नहीं ऐसा, तो दे वर ऑलवेज देयर एंड दे विल ऑलवेज बी देयर। पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि आप एक स्टार बन चुके हैं? स्टार पता नहीं, ये शब्द तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ये पता नहीं किस किसके लिए बना हुआ है स्टार, है ना, हम सुनते हैं भी स्टार बहुत बड़ी चीज है, एक स्टार नहीं कह सकते, मुझे ये फीलिंग जरूर रही है अभी हाँ कुछ लोगों से अलग हूं क्योंकि पर्सनल लाइफ थोड़ी पर्सनली रही, अब वो आम हो गई है क्योंकि हमें अपनी पर्सनल लाइफ को स्नैपचैट पे शेयर करना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ता है, नहीं शेयर करेंगे तो लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि कर क्या रहा है अपनी निजी जिंदगी में, तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं चाहे आप उनको जानते हैं चाहे आप उनको नहीं जानते, कहीं ना कहीं आपको अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको बतानी पड़ती हैं कि आप आर्टिस्ट हो किस वजह से, हो यहाँ तक पहुँचे हो किस वजह से, वो सब कुछ किस वजह से है, तो उनको आपको हिस्सा बनाना पड़ता है, नहीं तो आम जिंदगी में कोई भी है हम नहीं पूछते उसको भी और यार क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है, पर वो शेयर नहीं करता, तो आई थिंक ये चीज़ है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के समय समय पर अच्छे और बुरे पहलू दोनों सामने आते हैं, तो आपके साथ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बिहेवियर कैसा रहा एंड आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिहेवियर कभी किसी को आर्टिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम नहीं है कि मैं बैठता उठता हूँ इन लोगों के बीच में, मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरी फैमिली, मेरे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी वीडियो की टीम हो गई, मेरी अपनी टीम हो गई, लिरिसिस्ट्स की टीम हो गई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगर नहीं मैं इंडिविजुअली बोलना चाहता यहाँ पे क्योंकि मेरी शायद किसी के साथ इतनी है ही नहीं, क्योंकि मैं ना किसी को फ़ोन करता हूँ भी और क्या हाल चाल है कैसे नहीं, कुछ एक दो आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ थोड़ा प्यार प्रेम है, पर अगर आप प्रोफेशनली करें तो आई डोंट थिंक प्रोफेशनली यहाँ पे कोई किसी के साथ बहुत अच्छा कनेक्टेड है मेरे साथ, मेरे साथ तो नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं हूँ किसी के साथ, है ना, इट्स हैंड टू हैंड, तो शायद मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया ऐसा कुछ, या मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया, वो अपने काम में इतना बिजी हो गए कि कभी मौके नहीं मिला बैठने का, ऐसा नहीं है।
आपके साथ कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई है एंड उस कंट्रोवर्सी से आपने क्या सीखा? कंट्रोवर्सी नहीं ऐसा हुई बहुत खास कुछ, तो हल्की फुल्की एक दो ही होंगी बस, वो मैंने कभी उसको इतनी तूल नहीं दी, अगर देता तो शायद बहुत लोगों तक पहुंच जाती, तो मैंने इतनी ज़्यादा उसको तवज्जो दी नहीं है, हो भी गई तो आई इग्नोर्ड इट, तो अगर दी होती तो शायद बिग बॉस में होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट कंट्रोवर्सी को लेके ये चीज़ ज़रूर है मुझे कि मैं सीखा हूँ जो, वो ये सीखा हूँ कि कभी भी अगर, मतलब मेरे लिए नहीं सीखी है, लोगों के लिए है, जो ऑपोजिट वाला पर्सन कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बैठा है या उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर कोई चीज़ हुई है तो पहले आपको ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ जाननी चाहिए कि हुआ क्या है असल में, मतलब असल में ये बात हुई भी थी, अगर हुई भी थी तो क्या हुई, उसका उसकी वजह क्या हुई, क्योंकि हम लोग लॉयर्स नहीं है, हमारी कोई कमेटी नहीं बनी हुई है ना, क्योंकि ये लोग हैं जो चीज़ निकाल के किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो कैसे लोगों की तरफ उसको अपना जगह बनाएगी हमें पता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि आपको पहले पता करना चाहिए कि वो बात हुई है नहीं हुई है, तो आप डिसीजन लें अपना। कि सभी गानों में से आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है एंड थोड़ी सी उस गाने की झलक मिल सकती है? मेरे काफ़ी फेवरेट हैं ऐसे तो, लोग जो ज़्यादातर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं कहता कि पंजाब के लोग कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, दिल्ली के कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं या पैन इंडिया पे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, इट डिपेंड्स कि मार्केट कैसी है। तो पर मैं जो मैंने बहुत बड़ी मार्केट के लिए, वाइड मार्केट के लिए किया था, वो गल्ला मुख जाने किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अजित नवा नवा मिले एक दूजे नू चंगी तरह जान दे नहीं हले एक दूजे नू पहला पहला लगी आदा चाहुंदा जान जांदियां कहानियां ओ फिर की प्यार ना कहा करेगा जदों गला मुक जानियां। ये मैंने किया था वाइड मार्केट के लिए। थैंक यू कादिर थिन। एज अ पर्सन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड एंड एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी या एक सॉफ्ट स्वीट एंड सेंसिटिव सी पर्सनालिटी? आई वुड से दोनों का 50-50 है, क्योंकि हर एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं मूवीज में इस तरीके का मेरा जो नेचर है, जो लोगों को लगता है, वो लेके आगे बढ़ूंगा, नहीं। मैं गानों में जैसा हूँ शायद असली में कुछ कुछ वैसा हूँ और कुछ कुछ अच्छा भी हूँ मतलब बुरा तो नहीं हूँ गानों में ऑब्वियसली, बट हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किरदार हैं जो हम गानों में रिप्रेजेंट करते हैं, वो किरदार हैं हर एक चीज़ का, तो वो तब तक ही रहता है जब 3-4 मिनट का गाना है, तब वो किरदार है, उसके बाद तो हमारी वैसी है नेचर सारी, मेरे में एटीट्यूड नहीं है, अगर होगा तो वो किसी वजह से होगा और उतना ही होगा जितना चाहिए। हाँ, ईगो नहीं कह सकते उसको, एटीट्यूड शुड बी देयर, आपको एटीट्यूड कैरी करना होना चाहिए और तो कुछ नहीं, अगर आप कैरी कर सकते हो एटीट्यूड तो इट सूट्स यू, ईगो नहीं, ईगोइस्टिक नहीं हूँ। हाँ ये है। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया हो उसके बारे में बताइए? ऐसा अभी आप एकदम पूछ रहे हो ना तो मुझे एकदम दिमाग में आएगा भी नहीं भी, हाँ क्या इंसिडेंट ऐसा जिसने, मेरी बहुत लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट तो नहीं है, हाँ चीज़ें कुछ फैसले ज़रूर हैं जिन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि अगर ये मैं फैसला ना लेता बाहर से आने का तो शायद मैं सिंगर ना होता, तो मैं आर्किटेक्ट होता, तो ये फैसले थे, इंसिडेंट नहीं। वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, आई वांटेड टू बी अ सिंगर बेसिकली, नॉट एन आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट तो पढ़ाई की वजह से, क्योंकि म्यूजिक की मैंने पढ़ाई नहीं ली है, म्यूजिक तो ब्लड में था, जितना था उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, अगर पढ़ाई पूरी करता तो मैं आर्किटेक्ट होता, अगर पढ़ाई पूरी नहीं करी तो मैंने ये ऑप्ट किया। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, आई एम वेरी मच हैप्पी, ही आर वेरी मच हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। एंड क्रिटिक्स एंड ट्रॉल्स के साथ आप कैसे डील करते हो अपनी लाइफ में, क्या मोटो है? आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी पर्सन, अगर कोई नेगेटिव है तो, पॉजिटिव तो पता ही है बहुत सारे आते हैं तो किस किस को आप रिप्लाई करेंगे, पर कोशिश करता हूँ नेगेटिव कमेंट कोई आता है तो मैं ट्राई करता हूँ क्लियर करूँ कि अगर वो वैलिड है तो, नहीं तो इनवैलिड लिखने वाले तो बहुत हैं, आपको पता ही है हर एक वॉल पे, तो आई एम वेरी मच वेलकम टू ऑल ऑफ देम, जब मर्जी कर सकते हैं तो। पर हाँ मेरा इंस्टाग्राम जो है उस पर 99% इट्स क्लीन, 1% इट माइट बी समवेयर कोई बंदा जो शायद मुझे ना पसंद करता हो, ऐसा नहीं है। एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में आपसे आपकी ऑडियंस? जी एक तो जो शिकायत थी सबकी वो ये कि गाने बैक टू बैक नहीं कर रहा था, एक तो वो फुलफिल हो जाएगी और मूवी की एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद सीरीज़ है
वो भी हो जाएगी, तो वाइड रेंज, हाँ काफी कुछ है ऐसे तो। एंड आखिर में अपनी फैंस या ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज मैं हर बारी, हाँ मैं ऐसे कहता हूँ हर बारी के जो भी सुनते हैं किसी से भी हम लोग ना, किसी भी आर्टिस्ट से, वो उस आर्टिस्ट के मुंह से अगर अच्छा लगता है तो आप उसको प्यार दें, ये नहीं कि आप डिफरेंशिएट करने लग जाएं उस आर्टिस्ट को किसी और आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब है, सिंगर का मतलब, एक्टर का मतलब है कि अपने किरदार को लेके आना बाहर। आप उसको सलाह दें कि आप ये चेंज कर लें अपने आप में, आप ये चेंज कर लें अपने आप में, ना कि इतना डिमोटिवेट कर दें कि वो जिंदगी से हार जाए, उसको ये लगे कि यार मैं शायद गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर उसमें एक्टिंग का स्किल है, गाने का स्किल है, तो आई थिंक लोगों को उसके प्रति ये करना चाहिए कि यार आप और आगे जाओ, ये चेंज कर लो बस चीज़ें, वो एक्सेप्ट करे अगर अच्छा आर्टिस्ट होगा तो, ना कि उसको इतना डिमोटिवेट कर देंगे वो शायद अपने आप में इतना ज़्यादा वो कर ले कि डिमोटिवेट होकर शायद अपनी जान दे दे या कुछ भी कर दे। तो आई थिंक आर्टिस्ट की जो ज़िंदगी होती है ना वो लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि उसने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है। मैं गाने करता हूँ, मैं अपने लिए तो करता नहीं, घर पर सुनना है मुझे, मुझे लोगों को सुनाने हैं, लोगों ने प्यार देना है। अगर प्यार दिया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर कुछ गलत करता तो मुझे सही भी करते हैं भी, हाँ यार ये हमें एक्सपेक्ट नहीं है तुमसे, तुम अच्छा कर सकते हो, है ना, ये गाने मत करो, वैसे गाने करो जैसे पहले करते थे या कुछ करते थे, तो एक्सेप्ट दैट। तो ये मेरे साथ अकेले इसका मत करो, सबके साथ करो जो बाकी भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी रोजी रोटी है ना। अब ये मैं कहता नहीं कि मैं गाने लग गया हूं तो मेरे साथ कोई और ना खड़े, हैं तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर ही, सिंगर जितने भी हैं वो अपना अपना गा रहे हैं, पर हम कॉम्पिटिशन नहीं करते एक दूसरे के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरे अपने गाने हैं जो लोगों ने प्यार किए हैं, चाहे वो गल्ला मुख जानी है, चाहे कनक सुनहरी, हीरे मोती, सोने मुखड़े, रौंद एंड जट्टी, बेबी द स्पोर्ट, ब्याह वाला गाना, एवरी ईच एंड एवरी सॉन्ग उसने अपनी जगह बनाई है, तो वो मैंने नहीं ऐड लगा के कुछ अपनी जगह बनाई उन लोगों की, यहाँ ये है, क्योंकि मेरा आपने देखा पहला गाना भी रौंद जो मैंने जब किया था वो उस टाइम का हिट गाना था जब डिजिटल मीडिया भी नहीं होता था, लोगों के पास इतने फोन्स नहीं होते थे, वो तब का गाना मशहूर हो हुआ है, मतलब लोगों ने प्यार दिया, तो अगर मुझे दिया तो वो बाकियों को भी प्यार देंगे। आई बिलीव दैट लोगों की थिंकिंग ना चेंज करें लोग खुद की, किसी के पीछे लग के, वो सबके लिए बराबर रहें कि अरे आर्टिस्ट हैं, एंटरटेन करने के लिए हम लोगों को, थोड़ा सा इसका एंटरटेनमेंट लेते हैं, थोड़ा सा इसका एंटरटेनमेंट लेते हैं, मतलब ऐसे सबको प्यार दें वो, तो सबका रोटी चल जाएगी और तो कुछ नहीं। जाते जाते ऑडियंस के लिए एक आखिरी गाना, मतलब आखिरी गाना तो नहीं गाऊंगा, इस इंटरव्यू का एक आखिरी गाना होगा, आई वुड से हीरे मोती मिट्टी ने तेरे अगे, जिवे परछावे मिट्टी हनेरे अगे, हीरे मोती मिट्टी ने तेरे अगे, तेनू प्यार करूंगा वादा, तेनू तेरे तो भी ज्यादा, बाह तेरिया मेरा करिया, जिथे ना फिकर ना डरिया, तेरे ते हक बस मेरा, मेरे ते हक बस तेरा, तेनू चाया ना जद दिल तो पल तू दस दे केड़ा, असी दोवें इक हो गए ख्वाब जहाँ लगे, हीरे मोती मिट्टी ने तेरे अगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी धन्यवाद ये इंटरव्यू देखने के लिए।